वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाचाकुवश कृपा सिंधुवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधव वृंदावन तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च कृष्णभक्तिपद देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुण धेयं सदा परिभवग्न भविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरुञ्चन तं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल भवद्विपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजीत किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिकामी कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजम् सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंविहित त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
हरे। चिन्तयामि हरिमेव सततं मन्दहासमुदितानं भुजं नन्दो गोपो तनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं चिन्तयामि हरिमेव सततं मन्दहासमुदितानं भुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दसंहितं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं कैसे लोग को समझाया जाए अप्राकृत सत्य का विषय, एब्सोल्यूट का विषय आम आदमी को कैसे समझाया जाए, कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि एक एक आदमी का तरह एक एक आदमी का एक एक किस्म का बीमारी है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये मनुष्य लोगों में हर एक एक आदमी का अलग अलग सा बीमारी, तरह तरह का बीमारी है। प्रभुपाद कह रहे हैं एक एक मरीज को अलग अलग से रोगों का सिम्टम पकड़ के चिकित्सा करना पड़ेगा। एक बीमारी जिसको हुआ है वो कौन सी बीमारी, ये सिम्टम पकड़ के फिर सिम्टम का ऊपर बेस करके चिकित्सा होनी चाहिए, तब तो जड़ से ये बीमारी खत्म होने वाला, नहीं तो कुछ लाभ नहीं है, फायदा नहीं कुछ। वो बात कह रहे हैं एक एक मरीज का एक एक अलग अलग करके सिम्टम पकड़ के उसका ट्रीटमेंट होनी चाहिए, परहेज होनी चाहिए। अगर रोग बीमारी क्या है ये नहीं पकड़ा जाए तो कौन सी चिकित्सा होगा, कैसा चिकित्सा होगा और उसमें फायदा भी क्या हो सकता है। हमारा परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज अलग से एक किताब का रूप से निकाला था, प्रभुपाद गौड़ी हॉस्पिटल बोल के छोटा सा आर्टिकल, इसमें क्या बीमारी है गौड़ी हॉस्पिटल में, कौन कौन है नो मरीज क्या क्या है, कौन कौन बेड में मरीज को दाखिल किया गया, और जो साधु संत जो महात्मा लोग हैं बड़ा बड़ा चिकित्सक है ट्रीटमेंट कर रहा है वो सिम्टम पकड़ के, एक नंबर बेड का क्या बीमारी है, बोले इसका तो बहुत काम है, पूरा आकर्षण है कामिनी कांचन के ऊपर, और इसका ऊपर इसमें इसका दिमाग खराब हो गया इसका ऊपर। दूसरा आदमी उसका क्या हुआ, उसका प्रतिष्ठा का ऊपर बड़ा मेटेरियल जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का कोशिश की, फेल्योर हो गए और दिमाग भी खराब हो गया, माया जी पकड़े। ऐसा करके एक नंबर दो नंबर बेड, तीन नंबर बेड, चार नंबर बेड, पांच नंबर, छः नंबर, सारे बेड का एक एक मरीज दाखिल हुए हैं, एक एक का ट्रीटमेंट कैसा होनी चाहिए, क्या बीमारी है डायग्नोसिस करके, ये पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस नहीं, ये डायग्नोसिस अलग किस्म का है। गुरु वैष्णव का पास पहुँचने का साथ साथ वो देखने का साथ ही पता वो समझ लेता है इसका ये बीमारी है, ऐसा एक्सपीरियंस डॉक्टर है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मरीज को सही ढंग से ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो क्या बीमारी है उसका ऊपर, अगर सिम्टम पकड़ के
ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो बीमारी खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं प्लेटफॉर्म स्पीकर, जो प्लेटफॉर्म स्पीकर मतलब जिसका अब खुद का आचरण नहीं है, आजकल का जमाने का हालत ऐसा ही हो गया, प्लेटफॉर्म स्पीकर जिसका अपना आचरण नहीं है दूसरे को एडवाइस करते हैं, प्लेटफॉर्म स्पीकर ऐसा मापिक तरह तरह का बीमारी जो है, भिन्न भिन्न मरीज जो है इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, संभव नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन परमानेंट उसका जो ट्रीटमेंट वास्तव जो जेन्युइन ट्रीटमेंट ये होना संभव नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो मैं 40 साल तक लगातार कोशिश में कोशिश लगा हूं, मैं लगातार 40 साल तक एक आदमी नहीं मिला हमको जो वास्तविक हरिकथा सुनने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसका प्राण है हरिकथा, ये ऐसा हमने देखा नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं सब हरिकथा को ऑप्शनल करके रखा है, ऑप्शनल, इच्छा है तो सुनेंगे नहीं तो नहीं सुनेंगे। अरे मूर्ख जानते नहीं ये लोग, जे हरिकथा हरिकीर्तन छोड़ के बीमारी हटने का कोई चांस है नहीं। सबसे बड़ा ये ट्रीटमेंट जो है ये हरिकथा कीर्तन के द्वारा ही हमारा ट्रीटमेंट है। अविद्याहरण नट्ट मंदिर, प्रभुपाद का एक एक एक्शन, एक एक क्रियाक्रम का बहुत सारे इनर मीनिंग है। केशव गोस्वामी महाराज क्यों देवानंद गौरी मठ दिया, क्यों अक्षय तृतीय का दिन उद्बोधन की है, क्यों प्रभुपाद अविद्याहरण नट्ट मंदिर बोल दिया, क्या कारण है, सबका पीछे राज है, रहस्य है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम 40 साल तक लगातार भागादूरी कर रहे हैं, एक भी आदमी नहीं मिला जो जावत, एक भी नहीं मिला बंदा जो वास्तव हरिकथा को प्राण समझ के दवा खा रहा है। और प्रभुपाद कह रहे जो भी आदमी हमारे पास आता है, जो सब लोग पाच्छी, बांग्ला में कह रहे हैं प्रभुपाद, तार पर जे सब लोग पाच्छी मतलब जो सब लोग मिल रहा है, वे लोग थोड़ा बहुत कथा भी सुनता है और थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो मिल भी रहा है उसमें थोड़ा बहुत कथा भी सुन रहा है और अपना जो ब्रेन है विद्या बुद्धि वो भी इस्तेमाल कर रहा है। और ये अपना विद्या बुद्धि का कसरत छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं है, क्या करूं, ये जगत का आदमी आम आदमी ये लोकप्रियता, लोकप्रियता मतलब कितना लोग मेरे को प्यार करे, नाम करे, लोक प्रतिष्ठा लोकप्रियता का अनुसंधान में लगे हुए हैं, चाहे भजन में आए हैं, चाहे आचार्य हुआ है, चाहे संन्यास है, कुछ भी है, लेकिन मकसद है कितना लोक प्रतिष्ठा हमको मिले, लोकप्रियता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि दे ऑल आर सर्चिंग फॉर द फेवर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इन फेवर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। वास्तव सत्य वस्तु, वास्तव सत्य वस्तु का अनुसंधसु नाई बोली हो, बांग्ला में कह रहे हैं वास्तव एब्सोल्यूट ट्रूथ का अनिसंधिशु, अनुसंधिशु मैंने खोजने वाले बहुत कम, नहीं नाई का बराबर, यूं कह दे कि नाई का बराबर। प्रभुपाद कह रहे हैं कि नाई का बराबर नहीं, क्यों नहीं, नाई का बराबर। हम अगर सत्य प्रवचन करें कि आम आदमी मेरा अगेंस्ट में चले जाएंगे, मेरा पॉपुलैरिटी का हानि हो सकता है,
मेरा जनप्रियता यही मेरा ट्रेजर है ना, कितना आदमी मेरे को माला दे रहा है, कितना आदमी मेरा पैर धुला रहा है, कितना बार मेरा फॉरेन ट्रिप हुआ है, कितना रुपया पैसा है, कितना ग्लैमर है, इसी का ऊपर गुरु का निर्णय हो रहा है आजकल। पागल दुनिया, पागल पागल दुनिया का पागलपंथी। प्रभात कह रहे हैं कि सत्य कथा बोलने, सत्य प्रवचन करने से हैं, और सत्य प्रवचन सुनने से पॉपुलैरिटी खराब हो सकता, खराब हो सकता है। ये तो प्रभात कह रहे हैं, इसीलिए तमाम आदमी जो भजन में आए हुए हैं वो लोग भी गणमत, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक फेवर, पब्लिक का सपोर्ट, इसे का पीछे है। लेकिन गौरिया मठ का एक आदमी भी, वास्तव गौरिया मठ का, ध्यान से सुनना, वास्तव गौरिया मठ का जो मेंबर है, वास्तव गौरिया मठ का जो सदस्य है, वो कभी परवाह नहीं करते। प्रभात कह रहे हैं कि वास्तव गौरिया मठ के जो सदस्य है, जिसका जीवन जिंदगी निछावर कर दिया चैतन्य महाप्रभु के चरण में, जो अपना जीवन जिंदगी को संकीर्तन यज्ञाग्नि में सेवा संगन में समर्पित कर दिए, अर्पण कर दिए, ये लोग कभी परवाह नहीं करते कि कितना आदमी मेरा सुन रहा है, कितना आदमी नहीं सुन रहा है। ऐसे तो मेरा पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगा, अब पॉपुलैरिटी के पीछे सब सारे पड़े हुए हैं, सारे भागादूरी कर रहे हैं कि पॉपुलैरिटी के पीछे कितना पॉपुलैरिटी है, कितना पॉपुलैरिटी हो सकता है फ्यूचर में, इसका पीछे। और श्रीमद् भागवत जी महापुराण का चर्चा अगर आप सुने होंगे, वास्तव सुने होंगे, तो आपको निष्किंचन भजन क्या है इसका बारे में पता चलेगा। क्योंकि भागवत जी महापुराण निष्किंचन व्यक्ति का धन है। श्रीमद् भागवतम क्या, यद वैष्णवानाम धनम, यद वैष्णवानाम धनम, ये किसी का संपत्ति नहीं है। और ये जो गीता जी, गीता का प्रवचन चल रहा है, ये से महाभारत जी का, महाभारत का एक हिस्सा है, अंश है, ये उपनिषद ही है, श्री कृष्ण मुखार बिंद से उगल मैंने निकाला हुआ। और उस दिन चर्चा करते करते यहाँ तक आप पहुँचा, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कैसे स्मरण में रखना चाहिए मेरे को, तरीका कैसा है, किस तरीका से धीरे धीरे विचार करते करते मेरे को हृदय में बैठाया जाए हर वक्त, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस, यही भजन का सिद्धि यही है, ये भगवान को ना भूले, भगवान को ना भूले और भगवान को स्मरण में रखे। गुरुजी अक्सर कहते थे एक विधि और एक निषेध, ये दो, एक विधि, विधि माने आज्ञा अनुशासन, एक विधि और एक निषेध, ये दोनों को लेकर तमाम शास्त्रों का जो विचार चल रहा है, तमाम शास्त्रों का जो विचार चल रहा है, इसमें दो साइड है, एक है विधि और विधि में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, एक निषेध नहीं करना चाहिए। एते विधि निषेधा, जो विधि एवं निषेध जितना भी है सारे, ये दोनों जो चीज है विधि और निषेध, ये सारे विधि निषेध एक चीज का ऊपर डिपेंड करता है, एक ही। तमाम जितना सारे शास्त्रों में विधि है, हरिभक्ति विलास है, रसम, कई भी देखो, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना जरूरी है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं ये नहीं करना,
एते सर्वे विदे विधि निषेध सुरतरयोरेव कंकरः। सुरतरय माने सुरद्रुम, सुरद्रुम माने स्वर्ग का जो वृक्ष है, हैं स्वर्ग का, स्वर्ग का कल्पतरु वृक्ष है, ऐसा मुताबिक ये तमाम विधि निषेध जो है एक चीज को सेंटरिंग करके चल रहा है, वो क्या है? सततम स्मर्तव्य विष्णुं विस्मर्तव्य न यातु उचित। गुरुजी अक्सर ये दो ये बात कहते थे, हरि को हर वक्त शरण में रखना चाहिए, हरि को कभी भूलना नहीं चाहिए। चिंतयामि हरि मे बसततम मंदहासमुदितानानां भुजं नंदगोपोतनयं परात्परं नारदादिमुनिबिन्दवन्दितं चिंतयामि हरिमेव सततम्। यही हमारा मकसद है। अंतिमे नारायण श्रुति ही, मरण समय, जगत से विदा होने का समय, जाने का समय में अगर गुरु जी का चिंतन ना आए, वैष्णव का चिंतन ना आए, भगवान चरण चिंतन ना आए, तो फजूल है, सब बेकार है, भजन ये सब बेकार हो गया, कोई काम नहीं। जो भी है ये जरूरी है। तो सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न यातु उचित। हर वक्त हरि को शरण रखनी चाहिए, और कभी भी किसी भी समय भगवान को, गुरु वैष्णव को कभी भूलना नहीं चाहिए। बस ये मकसद होनी चाहिए। इसी विषय के ऊपर चर्चा होते हुए गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं, ये देखो पुरंजन का कहानी, देखो भागवत में पुरंजन का कहानी चौथा स्कंद में 28 अध्याय में पुरंजन स्त्री चिंता करते करते, पुरंजन खोत स्त्री बन गया। जम जम बाओपी शरणम भाव शरण भावन त्यजति अंत्य कलेवरम, ये श्लोक को याद रखना। हो गया है ना चर्चा? आई बात समय में? चर्चा हो गया ना? हर वक्त जम जम बाओपी शरणम भाव शरण भावम त्यजति अंत्य कलेवरम, जो भाव चिंता करते करते शरीर छूटेगा उसी भाव को लेके पैदा होना पड़ेगा, और उससे कोई छुटकारा है नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी भाव को चिंता करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही है नहीं। हजारों हजारों उदाहरण हैं। कोई अगर कहे महाराज मरने के टाइम में हम ठाकुर जी की चिंता कर लेंगे, संभव नहीं, कदापि कदापि संभव नहीं। पूरा पूरा जीवन जिंदगी रुपया पैसा प्रतिष्ठा करिए भागा दूरी कर रहे, और अंतिम में भगवान को स्मरण में लाएगा, ये कोई चाटनी है क्या? इतना मामूली बात नहीं है, सब समझ के रखे हैं मामूली बात। अरे तिलक लगा दिया, मालक लगा, अरे हम भी जपते हैं राम नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हमारा गुरु जी कहते हरि हरि हर हर, मतलब चोरी करो, हैं पराया माल अपना, पराया माल अपना, यही भजन है आजकल का भजन। राम नाम जपना, पराया माल अपना, यही ये आजकल का भजन। और ठाकुर जी कह रहे हैं देखो हर वक्त मेरा चिंतन में लगे रहो, कौन सुने बातें, तुम तो कहते ही रहते हो,
अरे गुरुजी ऐसा कहते ही रहते हैं, गुरुजी का काम ही ऐसा कहना, अरे भजन करो ऐसा नहीं करो ऐसा, ये कहते रहते हैं। वो कौन ध्यान देता उतना, कहने दो, हम अपने रास्ते पे चलेंगे। हमारा बुद्धि कम है क्या है? हम अपना बुद्धि पे चलेंगे, ठीक है चलो। देखो बहु अहो भाग्य से एक वास्तव साधु का संग होता है। करोड़ों करोड़ों रुपया का मालिक होने से भी ये संभव नहीं है। और सबरी जैसी एकदम बेसहारा उसको भी हो जाता है, हो जाती है ना। एक पैसा के ऊपर डिपेंड नहीं है, ताकत के ऊपर, एडुकेशन के ऊपर, ये कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये सत्संग प्राप्ते पुंभीर भवी सुकृति पूर्व संचित, बहु पूर्व पूर्व सुकृति का एकुमुलेटेड फॉर्म, तब अंतर में सत्संग करने का व्यवस्था हो जाता है। नहीं तो सत्संग मिलने से भी वो असत्संगों में चले जाने का दुर्भाग्य होता है। सत्संगो मिला है लेकिन समझ नहीं पाया, अरे ये सत्संग है, अरे इसका पास कुछ नहीं है तो क्या सत्संग है बेकार। सत्संग होता तो हजारों आदमी जाता ना, तो नहीं जा रहा है। गौर किशोर बाजी वैसे एक भी आदमी, दो एक आदमी जा रहा है, तो ये कैसे साधु है? साधु तो वो है जिसका पीछे लाखों आदमी दौड़ रहे हैं, वही तो साधु है। हाँ सही बताए, कल्लो बात हैं, कल्लो बात ऐसा ही है। स्त्री चिंता के द्वारा पुरंजन शरीर छोड़ने का टाइम में भागवत जी महापरम ने है स्त्रीत्व प्राप्त हुआ और स्त्री योनि प्राप्त हुआ। हा? भरत जी महाराज इतना भजन करते हुए भी, इतना भजन के बावजूद अंतिम में हिरण का चिंतन हो, बस हिरण बन गया। कितना उदाहरण दे दे, ऐसा ही है। जंग जंग बाहुपी शरण भावम तेजति कलेवरम, ऐसा ही नियम है। देखो भरत जी महाराज एक पैसा कोई छोड़ना नहीं चाहता, हमने देख लिया, एक पैसा छोड़ना नहीं चाहता किसी का, हिम्मत एक पैसा छोड़ दे, इतना आकर्षण है पैसा, इतना दिलचस्पी है, एक पैसा फूटी कोरी छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ तक कि रास्ते में पड़ा हुआ है 500 रुपया का एक नोट, ये नकली है। शिष्य कह रहा है गुरुजी, कह रहे ए इसको उठा लो, गुरुजी ये नकली है, तुमको कह रहे हैं उठा लो, शिष्य कह रहे हैं गुरुजी नकली है, वो बोल रहे उठा लो। फिर भी ये गाधा शिष्य है, समझ नहीं रहा है कि इसका मन कहाँ है, इसका मन कहाँ रमन रहा है, श्री वृंदावन में रमन रहा है कि नरक में रमन रहा है, फिर भी अकल नहीं है, ऐसा ही चलेगा। वो भी वृंदावन में, जहां तहां नहीं, वृंदावन परिक्रमा मार्ग में, तो ऐसा स्थिति है। और धीरे धीरे सारे कुछ बंद होने वाला है, बहुत जल्दी से जल्दी पूरा मैसाकार हो जाएगा, पूरा बंद। प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद कहते थे ये हरि कथार दुर्भिक्ष फेमिनिन, हरि कथा का दुर्भिक्ष है। अब क्या कहे, हरि कथा का नाम पे क्या चल रहा है, किसको समझाए, किसको समझाए, कैसे समझाए। इसीलिए वो बात कहते थे ना, कैसे आम आदमी को समझाया जाए कि ये नकली है, ये असली नहीं है, तेरे को क्या चाहिए, तेरा मकसद क्या है जिंदगी का, ये बता पहले।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच मय्यार्पित मनोबुद्धिर् ममे वैशेषी असंशयो। अर्जुन तस्माद् इसीलिए मैं कह रहा हूं हर पल पल में हर समय तस्मात् सर्वेषु कालेषु हर समय एक इंटरप्शन हो जाए तो वो भी खतरनाक है। अगर एक इंटरप्शन हो जाए भगवान का चिंता दो मिनट के लिए बंद हो गई ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो दो मिनट के अंदर मेरा हार्ट अटैक हो जाए दुनिया से चले जाए तो कौन इसका लिए जुम्मेदारी है? कौन है जुम्मा? तो अर्जुन इसलिए मैं कह रहा हूं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मेरे को शरण रखते हुए युद्ध करो। युद्ध तुम नहीं कर रहे हो, तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो, निमित्त मात्र भव सब्बसाचिन सब्बसाची तुम निमित्त बन जाओ, तुम इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। ऐसा मत सोचो कि तुम युद्ध कर रहे हो। कर्ता अहम इति मन्नते जब ही कर्तापन आ जाए तमाम पानी फेंक गया, यज्ञ में पानी फेंक गया, बस बेकार हो जाए। और मेरा चिंतन करो, मेरा चरण में तुम्हारा दिल को समर्पित कर दो और एक पल भर के लिए भी मेरा चिंतन से इधर उधर ना हो जाए मेर दिल। और ऐसा अगर होए मय्यार्पित मनोबुद्धिर् ममेव इच्छसि, ऐसा अगर होए तो भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है। भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे मेरा चिंतन अनुक्षण करके अंतिम में भगवान नहीं मिला, हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है कदापि। अर्जुन कभी संभव नहीं है ये। भगवान कह रहे उस दिन भी बताया था कैसे संभव है महाराज, ये युद्ध जैसा क्रूर कर्म है, ऐसा युद्ध जैसा क्रूर कर्म है, इतना कठिन कर्म है, उसमें भी ठाकुर जी को शरण करना ये भी संभव है क्या? ये कैसे संभव है? हमने उदाहरण दे दिया था संभव है, याद है ना? संभव है हमने दे दिया, प्रमाण दे दिया है। एक मैया बच्चा को स्तन का दूध पिला रही है और दूधिया आई है दूध देने वाले, उसका साथ पिछले महीना का दूध का हिसाब किताब चल रहा है और साथ ही साथ अमानिया चल रहा है, सब्जी अमानिया चल रहा है, सारे तीन काम एक साथ चल रहा है। इनके बावजूद मैया का ध्यान पूरा टिका हुआ है इस विषय पर जे मेरा हाथ कट ना जाए, कदापि संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। हमने उदाहरण दिया संत महात्मा में भी तो 100% संभव है। हरि कथा बोलने का टाइम में अगर मन चले जाए बम्बई दिल्ली, क्या वो हरि कथा बोल सके? जहां तक रामायण का चौपाई मुखस्त किया उतना ही बोलेगा, और तो सीखा नहीं कुछ। भारती महाराज कहते थे वो नानपुरी और पूरी कचोरी और परमान्न ये खाना सीखा है, घुगनी ये खाना सीखा है हमको, खुद बोले ये खाना सीखा है और कुछ सीखा नहीं, ये खाओ चकाचक खूब खाओ ये सीखा है और कुछ सीखा ही नहीं। कहाँ से सीखेगा? सीखने का जगह जाए, सीखने का जो वास्तव जगह है उसका साथ तो नफरत है, सीखने का जो वास्तव जगह है उसका साथ तो नफरत है, उसी जगह का सत्य कैसे सीखेगा?
कुत्ता बिल्ली बनेगा और क्या बनेगा, सीखो चालाकी सीखो, ऐसे ही होगा और कुछ नहीं होने वाला। कलिकाल है, इससे बढ़कर कुछ सोच ही नहीं सकता, इससे बढ़कर कुछ सोच ही नहीं सकता। हालत बिगड़ गया, हालत बिगड़ते जा रहा है और कोई चांस नहीं है। अगर पोपत खुद आए तो अलग बात है, फिर भी को कितना आदमी सुनेगा वो भी बात है। जब अपना शिष्य छोड़ के चला गया, पोपत को माना नहीं सुना नहीं, तो आजकल का जमाने के मोबाइल का जमाने में प्रोपात आए तो कितना आदमी सुनेगा। ये भी तो माया रे चोरिया जॉय छारण ना जाए, माया रे कुरिया जॉय छारण ना जाए, साधु गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय। सबसे बड़ा बात तो ये है, जब देखा जाता है पहले पहले श्रुति, पहले पहले का जो स्मृति बन के रहता है ना, स्टोरेज है हमारा, जो स्मृति का स्टोरेज है, ये स्टोरेज में बहुत सारे, कितना कंप्यूटर का एक साथ पावर है, कितना कंप्यूटर का एक साथ, कितना कंप्यूटर का एक साथ, कितना जिगाबाइट हैं रहता है पावर, और कितना कंप्यूटर का पावर एक ब्रेन में रहता है, फिर भी वीक महसूस होता है। काय को, क्योंकि कंसेप्शन जो है एक एक चीज पर नहीं टिकता, वो स्कैटर्ड है। कंसेप्शन जो है, कंसेंट्रेशन जो है, कंसेप्शन जो है एक वस्तु में नहीं टिकता, वो बिखरे हुए हैं, लाखों हजारों वस्तु में बिखरे हुए हैं, तो वीक पॉइंट आएगा ही। तमाम जिंदगी भर अगर भगवान का भजन किया तो आगे चल के अंतिम में सोरी छोड़ने का टाइम में भगवत चिंतन का चांस हो सकता है आगे चलकर। तमाम जिंदगी भगवत भजन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, सत रास्ता में नहीं गया, साधु का अनुगमन नहीं की और अंतिम में भगवान चिंतन कर लेंगे, कैसा संभव है? भगवान गजेंद्र मोक्ष में कह रहे हैं और निशिंग देव भी कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी को सप्तम स्कंद में और चौथा स्कंद गजेंद्र मोक्ष का विषय में, जो मरण का समय में तंचो मंचो स्मरण काली कर्म बंधा प्रमुच्यते, त्वांचो मांचो शरण काले कर्म बंधा प्रमुच्यते, त्वांचो तुम्हारा विषय और हमारा विषय, दोनों का विषय में अगर कोई चिंतन करे, त्वांचो मांचो स्मरण काले कर्म बंधाद प्रमुच्यते, कर्म बंधन से प्रमुच्यते, मुच्यते नहीं प्रमुच्यते, प्रकृष्ट रूप में कर्म बंधन से रिहा हो जाए, कर्म बंधाद प्रमुच्यते। और कर्म बंधन से प्रमुच्यते होने का मतलब ये है भक्ति प्राप्त करना, क्योंकि भक्ति नहीं है तो प्रमुच्यते ये शब्द कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। भक्ति नहीं होने से प्रमुच्यते शब्द एप्लीकेबल नहीं है, जो भी भक्ति शब्द इधर नहीं है। कर्म बंधाद प्रमुच्यते मतलब भक्ति जरूर होगी, अगर भक्ति नहीं है तो प्रमुच्यते शब्द यूज नहीं है, कहाँ यूज हो पाएगा। एक भक्ति है, जो भक्ति होने के बाद कर्म बंधा प्रमुच्यते शब्द एप्लीकेबल हो सकता। अब देखो गजेंद्र का समय में भी भगवान ने वादा की, ये एक गजेंद्र मक्षण जो सुबह में आंखें खुलकर, जो सुबह में आंखें खुलकर एक गजेंद्रो और हरि मेरा चिंतन करेगा, कैसे कैसे गजेंद्र स्तुति कर रहा है, कैसे कैसे मैं पहुंच गया और गजेंद्र को उद्धार कर दिया, ग्राहक को काट दिया गला,
ये जो अगर सुबह में कोई स्मरण करे जीवन जिंदगी भर, एक दिन नहीं जीवन जिंदगी भर जो स्मरण करे, ददामी विमलम भक्ति योगम, उसको विमल बुद्धि योग मैं देता हूं, भगवान ने वादा की। अब सोचो क्या बात है, ये सोचो क्या बात है, उतना मामूली नहीं है। अर्जुन अगर सोचे कि मैं युद्ध करूं कि साबित करने के लिए कितना बड़ा भीड़ हूं मैं पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, तो ये होगा नहीं। अर्जुन अगर ये सोच के करे कि ये युद्ध कर रहा हूं ये भी भगवान का कर्म है, ये मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव विहित कर्म, समझ में आई बात, समझ में ना, स्वभाव विहित कर्म, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म है स्वभावता, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, ये विभाग जो हुई है ये कर्म और स्वभाव के अनुसार गुण कर्म विभाग सा। तो ये अर्जुन तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते, अर्जुन तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते एक विचार बनता है, तुम क्षत्रिय हो तुम्हारा स्वभाव विहित कर्म हो, तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव का कर्म युद्ध करना सधर्म है, ये तुम करो, ये मत सोचना कि मैं युद्ध करना हूं, मैं सधर्म पालन कर रहा हूं, आज जो करवा रहा है मेरे को करवा रहा है वो हरि भगवान आप जुमा है, ऐसा अगर करते चले तो मंगल हो सकता। जहां तक एक बाल बाल का डिफरेंस है, इस तरफ आयो तो कटतापन आ जाए, हमारा हृदय कंटामिनेशन हो जाए, बाल बाल जरा सा उधर चले जाओ तो एक कंटामिनेशन तो फ्री बॉय फ्री बन जाओ। युद्ध भी करना है और युद्ध करने के साथ साथ मैं करता हूं इसको भूल जाओ, बस स्वभाव विहित कर्म कर रहा हूं मैं क्षत्रिय होने के नाते, मेरा स्वभाव क्षत्रिय है, स्वभाव क्षत्रिय होनी। अगर ऐसे किया जाए, ये अगर संभव है तो अहंकार नहीं जुदि बुद्धि लिप्त नय, अहंकार नहीं है और बुद्धि भी लिप्त नहीं है इसमें, लाखों करोड़ों आदमी का खून खराबा करके फिर भी एक भी पाप स्पर्श नहीं करे, ये बोलना बहुत आसान है, लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन अपना जिंदगी में पालन करना बहुत कठिन। याद है ना, एक उदाहरण दिया था मैंने हनुमान जी महाराज का, लंकेश्वर रावण का लंकापुरी पूरा जला के खाक कर दी और लाखों हजारों हजारों लाखों नर नारी का विनाश प्राप्त की, और जो पूछा गया हनुमान जी आप वैष्णव है ऐसे मार दिया इतना लाखों आदमी का करोड़ है, हनुमान जी बोले एक को भी मैंने नहीं मारा, अरे मारा नहीं, आग जला दिया तो मारा ही तो है, नहीं मैंने मारा नहीं। भगवान का सेवा में ये विचार बुद्धि है, हनुमान जी महाराज का विचार है, मैंने राम जी का सेवा किया किसी को मारा नहीं, किसी एक को भी मारा नहीं, मैंने राम जी का चरण का सेवा किया, बस इतना किया, मैं इतना किया और किसी चीज को लिए जुमा नहीं हूं मैं। इसलिए बंगला में कहते हैं अहंकार नहीं यदि बुद्धि लिप्त नय, यदि अगर अहंकार नहीं है और बुद्धि जो है कर्तापन बुद्धि डुअरशिप अगर कंटेमिनेटेड नहीं है तो ये लाखों हजारों का खून करने का बाद भी बावजूद उसको एक पाप का धूली स्पर्श नहीं कर सकता।
आई बात समझ में? ऐसे तो भगवान कह ही दिया, मेरे लिए जो कुछ भी करता है, दुनिया का आदमी जाए जहन्नम में जाए मरने जाए, वो अगर कहे कि ये खराब कन कर दिया, भगवान कह रहे ये मत सोचो, सिर्फ इतना विचार बनाओ कि तुम किस लिए कर रहे हो, किसका लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये चितो चिंता करो। अगर मेरे लिए कर रहे हो तो बाहरी दृष्टि में ये पाप कर्म हो सकता, फिर भी ये पाप नहीं है। बाहरी दृष्टि में पाप हो सकता लेकिन ये पाप नहीं है, किन क्योंकि तुमने मेरे लिए किया, मेरा चिंतन किया, मेरा चिंतन करते हुए किया, तुम्हारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, हैं? जब परम पूज्य श्रीधर गोसाई महाराज जी का पास शिकायत आया, जो देखो वैष्णव होके पिस्तल उठाया, बंदूक उठाया, गोली करा, महाराज जी बोले देखो कारण क्या है, भले राधा माधव को चोरी करने के लिए मंदिर में आए और डाकू लोग सब आए और विग्रह को ले जाने के लिए कोशिश की चोरी करके, और इस समय मंदिर का आदमी गोली चलाई और एक डाकू मारा भी गए। सिद्धर गोसाई महाराज के पास विचार आया, बोले गोली चलाए साधु होके गोली चलाए, क्या साधु है? महाराज बोले देखो अगर राधा माधव को लूटने आ रहा है, राधा माधव का जेवरत लूटने आ रहा है, उसी टाइम में गोली करना ही भक्ति है, उस समय गोली करना भक्ति है। भक्ति क्या चीज है समझो पहले, फालतू। जब राधा माधव लूटने के लिए आ रहा है वो लोग, तो क्या करे, बैठे बैठे देखेगा क्या, क्या करे, उसको रोकेगा नहीं? माधव गोसाई महाराज आपका सिद्धर गोसाई महाराज का आंसर है। तो भगवान जी सीधामा विप्र को कह रहे हैं कि सीधा मेरा भूख लगा है, बहुत चाना लेके आओ। क्या, अरे गुरु मैया है, अरे जाओ ना, क्या है गुरु मैया कहाँ है, कुछ नहीं, कोई नहीं देखे, और जाकर छोला चली करके आए, छोले भाजा। आने के बाद कृष्णो इशारा कर दिया गुरु मैया को, देखो घर में गया चोली करने के लिए, आके पकड़ लिया, अरे चोरी कर रहा है क्या, और रो पड़ा और देख लिया कृष्णो, कृष्णो को शिकायत किया, बोलो तुमने मेरे को भूख लगा बोल के भेजा और ये विषय में माता जी को इशारा कर दिया, क्या बात है? बोले मैं तो देखना चाह कितना प्यार तुम्हारा है मेरे लिए, कितना गाली सहन कर सकते हो, कितना बदनामी ले सकते हो तुम, ये देख लिया मैंने, इसलिए किया और क्या, ना तो मैं छोला खाता हूँ ना मैं तो कुछ खाता हूँ, मैं तो क्या। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह दिया, ओपनली कह दिया, मन निमित्त कृतम पापम धर्माय कल्पते, मन निमित्त कृतम पापम धर्माय कल्पते, मेरे लिए अगर पाप कर्म भी करोगे, मेरे लिए अगर पाप कर्म भी करोगे धर्म माना जाएगा। क्या धर्म, क्या धर्म है इसका विचार करने जाए महा महा उपाध्याय पंडित, ये भी पागल हो जाता। क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या धर्म है, क्या धर्म है इसका विचार बनाने जाए महा महा उपाध्याय, ये भी पागल हो जाता। तत्र मुह्यंत सूरयो वेदस्यो च ईश्वरात्मत्वात्, वेदस्यो च ईश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यंति सूरयो। वेद में क्या लिखा है, क्या माना किया, क्या अनुमति दिया गया, क्या माना है, ये सब जो है इसका विचार बनाने जाओ। तत्र मुह्यंति सूरयो, बड़ा बड़ा सूरी लोग विद्वान व्यक्ति भी मोह प्राप्त हो जाता है, छोटा मोटा व्यक्ति का क्या कहना है। आगे 8 नंबर श्लोक में ठाकुर जी ने बताए, अर्जुन
अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। अर्जुन अभ्यास योग युक्ते न, ये जो अभ्यास योग प्रैक्टिस, ये अभ्यास योग साधारण नहीं, अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्य गामिना, अभ्यास जो करते 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 ऐसा हालत पैदा हुआ जिंदगी में, यो अभ्यास जो युक्ते न चेतसा नान्य गामिना, और चेतना चेतना कॉन्शियसनेस और दूसरा जगह भाग नहीं रहा, एक जगह एक वस्तु पे टिके हुए हैं। चेतसा नान्य गामिना, आई बात समझ में? चेतसा चित्ते द्वारा एन दिव्यम परम पुरुषम अनुचिंतयन, हर वक्त चिंता करते रहे ये परम पुरुष का चरण कमल, और दूसरे चीजों में बिखरे हुए नहीं है मन बुद्धि चित्त अहंकार तमाम, ये तैयार कर लो अर्जुन, ये तैयार कर लो, ये निश्चय कर लो, परम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थानुचिंतयन अनुचिंतयन, गुरु वैष्णव का अनुगत में हरि कथा कीर्तन शोभन करते 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 उसी चिंता में डूब जाओ, अगर डूब जाए तो ये परम पुरुष को ही प्राप्त करे, तो और क्या करे, और क्या करे, वो परम पुरुष को ही प्राप्त करेगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है, ये संभव है हर हालत में। भगवान कह रहे हैं अर्जुन हर हालत में संभव है, कोई अगर कहे संभव नहीं तो झूठा है, ये हर हालत में संभव है। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नानुगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन अनुचिंतयन, माने अनइंटरप्टेड विदाउट एनी गैपिंग चिंतन बने रहे, और अनुगतों का द्वारा गुरु विष्णु का अनुगत करते हुए चिंतन करे, दोनों ही सच्चा है। आदमी जिंदगी भर जिस विषय का चिंतन में डूबे हुए रहते हैं, मरण के समय में वही चिंतन आएगा, और क्या आएगा। आदमी जो चिंतन में डूबे हुए रहते हैं वो मरने का समय में क्या दूसरा आएगा क्या, कामिनी कंचन जिंदा करते रहो अंतिम में कृष्ण का चरण आएगा, जितना ही गालो कीर्तन, जो अभ्यास बने हुए आदमी का वही तो आएगा ना। एक सेट का बात कह रहा था ना, तमाम जिंदगी वो आटा चावल डाल का जो गोला है, गोला में बैठे, और मरने का टाइम में पोता पोती सबको बुला रहे, और बोले सब आ गया तो गोदी में कौन है, तो ठीक ही तो बात है, वो सामान तमाम जीतेंगी गोदी का चिंतन किया। चाहिए दो रोटी, कितना खा सकते हो, एक आदमी को बुलाया था मैंने, भोजन दिया, और भोजन में दो रोटी खाया मैक्सिमम, और जो खाना फाना दिया, अरे महाराज क्या दे दिया, तो भंडारा खोल दिया, देखने में बहुत पैसा है, बहुत लंबा चौड़ा है, तो भक्त है, नाम नहीं करने का दरकार है, गाय दो रोटी खा नहीं सका। अरे दो रोटी के लिए तुमसे तो अच्छा है चिड़िया, वो बिना कोई चिंतन चिड़िया चुग लेते हैं खेतों बाड़ी, फल फूल खा लेते हैं, और तुम तो इतना कसरत करके मॉर्निंग वॉक अरे मॉर्निंग वॉक में चलते हैं, अरे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी हर हालत में बढ़ेगा नहीं, अगर भजन नहीं करोगे कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, भी क्या करोगे, चल रहा है
मोवाज सब कर रहे हैं। मॉर्निंग में गौशाला में जाता हूँ, क्या करते हो, हाथ फेरते हो गौ माता का शरीर, क्या गोबर उठा के दिखाओ, हैं कपड़ा खराब हो जाएगा, ऐसा सेवा का मूड है सब, अकलमंदी बेकार। हर वक्त आदमी जो चिंतन में जुटे हुए रहते हैं, चिंतन में और मरण के समय में क्या दूसरा चीज आएगा, वही आएगा। मतलब ये है अभ्यास योगों के द्वारा साधन करना जरूरी है, ये इसमें इशारा कर दिया ठाकुर जी। ठाकुर जी इसमें इशारा कर दिया कि अभ्यास योगों के द्वारा साधन करना जरूरी है। अभ्यास का मतलब, अरे महाराज अभ्यास का मतलब जैसे वेदांत सूत्र में ना है ना, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, दोनों बार का अनावृत्ति शब्दात, प्रैक्टिस करते चलो, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, शब्दों से अनावृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति मतलब समझा नहीं महाराज, आवृत्ति का अंग्रेजी ट्रांसलेशन रिसाइटेशन ना 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 ना, अपना बुद्धि लगाओ तो बेकार हो जाएगा। वेदांतों में जो ये जो लिखा हुआ ना अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति मैने पुनरपि जननम पुनर, इसका अनावृत्ति, आवृत्ति मैने पुनः रिकरिंग प्रोसीड्योर ऑफ टेकिंग बर्थ एंड डाई डेथ, ये चलते रहे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, ऐसा चलते रहेगा। इसको बंद करो कैसे, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, ये शब्दों कौन सी शब्दों, कौन सी शब्दों भैया, भगवान का नाम, एतद् निवृत्तमानानम मिच्छताम अकुतो भयम जोगिनाम नुपुनिर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम, यही तो उत्तर आया ना। उत्तर क्या है, कौन सी शब्द महाराज, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति कौन सी शब्द, एतत् निवृत्तमानानम मिच्छताम अकुतो भयम जोगिनाम नुपुनिर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम, हरे नामन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ए इसका अनावृत्ति करो, करके देखो, करके विचार करके देखो, दुनिया से निकलकर भगवत चरण में पहुंच जाओगे। हरि नाम का अलसी, भोजन का होशियार, तो गीता में भागवत में वेदांत सूत्रों में हर जगह, भागवत जी महापुराण में हर जगह अभ्यास योग के बारे में बताया गया, वेदांत सूत्रों में भी है, वेदांत सूत्र में भी दिया गया ये सब अभ्यास। वेदांत सूत्र में भी अभ्यास के बारे में बताया गया हर जगह, और इसका साबूत दो एक हम दे तो अच्छा है। जो व्यक्ति जो चिंता में डूबे हुए रहते हैं उसी चिंता आएगा। आज जो गुरु जी का चरण का चिंता किया, भजन का, ठाकुर जी का चिंता किया, वो आएगा नहीं। और भागवत जी महापुराण में एक प्रमाण है, कीटो यथा पेशस्कित, ये श्लोक का प्रमाण है, भागवत में दिया हुआ है सातवां स्कंद में। जैसे कांच पोका, ये तैल पोका, इसको पकड़ कर अपना कैविटी में डाल दे,
उसका बाद अपना जो सुराख है उसको बंद कर दे, बंद कर देते, और इसका अंदर में जो कीड़े हैं विदृढ़ है जो पकड़ा हुआ है अंदर में, वो उसी का चिंतन में लगे रहते, अरे महाराज हमको पकड़ दिया मारेगा, काच पोका काच पोका तोइलो पोका को पकड़ के अंदर में डाल दिया और मुंह जो है सील कर दी, और परफोरेशन तो है ना माठ का, और इसका बाद वो अंदर में चिंता करते 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 होगा तोइलो तोइलो पाई का काच पोका का आकार एक्सटर्नल जो उसका जो गठन है इसका एक्सटर्नल जो सारे हो जाता है, समझा मेरा बात। तोइलो पोका कर पकड़ कर काच पोका अंदर में घुसा दे इसका कैविटी में गर्त में और मुंह को सील कर दे, वो उसका डर के मारे उसका ही चिंता में लगे रहते, और थोड़े दिन बाद वो देखा गया वो उसका स्वरूप जो है वो काच पोका माप काच पोका का मापिक हो गया। ऐसा एक उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कैमेलियन, हाँ कैमेलियन जानते हो, जो जिस परिवेश में जाए उसका चिंतन पहले करे, गिरगिटी टिकटी टिकटिकी टिकटी ये छिपकली जैसा है ना, एक पेड़ में रहता है वो दौड़ता है, और जिस जिस अवस्था में जाए, सपोज करो कि ग्रीन बुश में जाना चाहे एक झाड़ में ग्रीन, तो उसका पहले उसका उसका चिंतन करते रहेगा, उसका चिंतन करते रहेगा, चिंतन करते करते जब ग्रीन शरीर हो जाए तो उसमें छलांग लगाए और जाके आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसा करके देखा गया उदाहरण, वो कई सारे उदाहरण हैं, ऐसा इसका चिंतन करते 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 वो हो जाता, ऐसे ही है, जो जिसका चिंतन है उसका स्वरूप को प्राप्त करे। रागानु का भजन में भी ऐसा ही है विचार, धीरे धीरे हम बताएंगे नरोत्तम ठाकुर का कहना हुआ बात। एक दफे रावण को उसका भाई ने कह दिया, अरे सीता को लाना था, कोई बड़ा बात है, आप राम का रूप पकड़ लेते तो इतना हंगामा काहे का। रावण बोला, देखो भैया हमने भी चिंता किया, राम का रूप पकड़ के उसका पास जाए तो इजी हो जाता, काम बड़ा आसान बन जाता, लेकिन हमने किया कोशिश किया, लेकिन जब राम रूप चिंतन करने का कोशिश की तो मेरा बदमाशी छूट गया मेरा जो बदमाशी है ये छूट जाने लगा, हमको तो बदमाशी करना ही है और बदमाशी छूट जाने लगा, राम रूप जब चिंता करना शुरू कर दिया इसे तुरंत बदल लिया, सन्यासी का बेस बना लिया। अगर राम रूप का चिंतन मैं करना शुरू कर दिया तो परब्रह्म जो है निर्विशेष ब्रह्म, रावण मायावादी है ना, तुच्छ ब्रह्म पदम, रावण का ये खुद का डायलॉग है, खुद का भाषण है, अरे भैया जब राम जी का चरण का चिंतन शुरू कर दिया हमारा स्वरूप को चेंज करने के लिए तो मेरे से बदमाशी बंद हो गया, अब क्या करें। तब तो ऐसा स्थिति पैदा हो गया, तुच्छ ब्रह्म पदम परस्त्री संगकूतो, तुच्छ ब्रह्म पदम,
हमको ब्रह्म पद तुच्छ लगा, मामूली कुछ भी नहीं है। तुच्छ ब्रह्म पदम परस्त्री संग कूतो, अरे पराई स्त्री इसका संग करना है तो मामूली बात हो गया, अरे ब्रह्म पद भी तुच्छ होने लगा तो सीता का संग मैं करूं राम का पत्नी, ये और भी तुच्छ है। आदमी का मन दिन पे दिन क्यों नरक पर जा रहा है ये बताओ, एक सर्वे बनाओ, क्यों आम आदमी का तमाम बच्चा सबका मन नरक का ओर जा रहा है, क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है ये साधु संघ का नाम पे असाधु संघ, बस एक ही कारण है। जो साधु संघ नहीं करता उसका तो छोड़ ही दो, वो तो असाधु संघ, और सत्संग भी करने का हक बोल रहा है जब मैं सत्संग करूं वो भी बेकार है। तो रावण का खुद का कहना है ये परब एनो तुच्छ ब्रह्म पदम परस्त्री संग कूतो, ब्रह्म पद तुच्छ लगने लगा, बेकार लगने लगा, और परस्त्री संग क्या करे, इसलिए जल्दी जल्दी मैं चेंज कर दिया, सन्यासी भी पकड़ लिया। वेदांत भी वे हैं अभ्यासात, ये अभ्यास करते करते भगवान का राम लोक लीला सारे अभ्यास करते करते ये स्वभाव में बदल जाए। तो भगवान का अगर चिंतन करते रहे हर वक्त तो क्या वो जो भगवान नहीं मिलेगा क्या, ऐसा कोई है प्रमाण तो भगवान को हम चिंतन किया जिंदगी भर और अंतिम में भगवान नहीं मिले, ये कोई प्रमाण है आपके पास दिखाओ। भागवत जी महापुराण में भी है ऐसा, अभ्यासेन आत्मनो योगी धारयेद अचलम मनः, कैसा लिखा है 11 स्कंद में, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान उद्धव को कह रहे हैं 20वां अध्याय 11 स्कंद में, अभ्यासेन आत्मनो योगी धारयेद अचलम मनः, अभ्यास करते करते एक चीज पर मन टिक जाएगा, पक्का बात है, एकदम पक्का बात है। ये अभ्यास योग जरूरी है, मनमानी अभ्यास योग में फल नहीं मिलेगी, मनमानी अभ्यास योग में फल मिलेगा कैसे, अनुगत में मनो एव मनस्वानम कारण बंधन मुक्त यो, ये कोपिल जी का कहना है, सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता, ये भी है दशम स्कंद में जो बताया गया, सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता, किसी भी रास्ते में आप जाओ, ध्यान योग ज्ञान योग अभ्यास योग राजगुह योग भक्ति योग किसी में भी जाए, पहला कदम उठाना पड़े कि हमारा जो दुष्ट अभ्यास है इसको पहले रोका जाए, व्यासन को रोका जाए, हरि कथा को भी व्यासन में बदल दिया हम लोग, ऐसा बुद्धिमान है हम। सर्व एव मनोनिग्रह लक्षणांता, जो भी रास्ते में जाओ मन को वशीभूत करना पहला कदम है, कई भी रास्ता भी जाओ जो अप्रूव रास्ता, कोई भी रास्ता मतलब अपना मनमानी जैसा नहीं, ध्यान योग ज्ञान योग कर्म योग योग जो भी भक्ति योग जो भी जाओ, इसमें एक पहला कदम ये जरूरी है, जे सर्व एव मनोनिग्रह लक्षण, सब जी जितना रास्ता में जाओ मनोनिग्रह मन को वशीभूत करो,
मन को कंसेंट्रेट करो, एक भगवान के चरण में टिके रहे। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? उतना आसानी नहीं है, उतना आसानी नहीं है। जो भी है, आगे चलकर 9 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कोविं पुराणम अनुशासिरा अनुशासितारम मनोरणीयम स्मरो स्मरो स्मरेज्य सर्वस्व धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। क्या बोला? कोविं पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयम समनुस्मरिज्य सर्वस्वदातारम अचिंत रूपम मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। क्या बताया? जे कोविंग, कोवि कौन है सब जानता है, जो भूत भविष्यत वर्तमान मतलब सर्वज्ञ है। कोविंग पुराणम सनातन ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये सब कारणों का कारण जो है भगवान। सो कोविंग पुराणम मनुशासितारम, जो तमाम दुनिया को शासन में रखता है, अनुशासन में। इंद्रों ने बदमाशी किया, उदम मचाया, हरकतें की अर्जुन, इंद्रों ने हरकतें की उदम मचाई, अंतिम में भगवान आके उसको उदमबाजी बंद कर दी। अंतिम में जब समझ ली कि हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, ये है ठाकुर जी, स्वयं स्वयं ठाकुर जी, अरे राम राम क्या कर डाला मैंने, हाय हाय ठाकुर जी खड़ा करो। अतः भगवान बोले, क्रियताम मदनुशासनम, क्रियताम मदनुशासनम, मेरा बात सुनो, मेरा बात का पालन करो, कभी भी तुम्हारे अंदर में दिमाग खराब ना हो जाए कि तुम मालिक हो, ध्यान रखना, बैलेंस करके चलना। तुमको स्वर्ग का गद्दी मिला, दिमाग खराब, तुमको स्वर्ग का गद्दी मिला, तुमको दिमाग खराब होना स्वाभाविक है, ये नहीं करना, ध्यान दे के सुनो। हे इंद्रो, क्रियताम मदनुशासनम, मेरा शासन मान के चलो, मैं शास्त्र, मैं शास्त्री दाता हूं। कोविंग पुराणम मनुशासितारम मनोरणीयम समनुस्मरज्य सर्वस्वधातारम अचिंत रूपम मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। कोविंग माने सर्वज्ञ, पुराणम माने अनादिरादि गोविंदो, अनुशासितारम नियंत्रा, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। अनोरणीय अनोरणीयम, सूक्ष्म से सूक्ष्म है ब्रह्म वस्तु, क्या है? ब्रिंग हननाथ, जो अनंत 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 हरि, अनंत हरि रूप अनंत, कैसे कोई भावे। और ये भगवान जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म भी है, इसलिए अनहरणीयम सम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ये जगत का कोई भी सूक्ष्म वस्तु है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु है। अनहरणीयम स्मरण है न सम, सर्वस्व दातारम सकलर विदाता, अनोरणीयम अनह अनियसम, और अचिंत रूपम, जो चिंता का अतीत, इनकॉन्सिवेबल बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रिहेंशन, चिंता अतीत। आदित्य वर्णम, सूर्यों का नाय, सूर्य जैसे स्वप्रकाश है,
सूर्य जैसे सब प्रकाश है, सूर्य का अंदर में फ्यूशन एंड फ्यूशन न्यूक्लियर रिएक्शन चलते रहते, इसलिए कभी बुझने वाला नहीं। कब भक्त ठाकुर जी का कब इच्छा हो तो तब होगा, हर वक्त नया नया एनर्जी, फ्यूशन एंड फ्यूशन, एटॉमिक रिएक्शन होता है ना एटॉमिक प्लांट में, एटॉमिक एनर्जी तैयारी का समय 1 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम यूरेनियम को एनर्जी में ट्रांसफर किया जाए तो सोच भी नहीं सकता, पागल हो जाओगे। तो मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैसिव एनर्जी। ये आइंस्टाइन का मैस एनर्जी थ्योरी, रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अचिंत रूपम जो बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन है, आदित्य वर्णम आदित्य वज सब प्रकाश, सूर्य जैसे सब प्रकाश स्वयं आलोकित है। सूर्य जब उदय हो, सूर्य का रश्मि से सूर्य को दिखेगा और तमाम वस्तु को देखने का सुयोग भी मिलेगा। आदित्य वर्णम तमस परस्तत, तमस मतलब माया, तमस परस्तत माया, तीत स्वरूप परस्तत माने पराजित करके माया को जो अवस्था पैदा होता है उसका नाम मायातीत अवस्था। आई बात समझ में, तमसः परस्तात तमसः क्या लिखा है, तमसः परस्तात मायातीतो, तमसः परस्तात मायातीतो भूमिका। और इसी समय प्रयाण काले मृत्यु मौत का समय में अचलेन मनसा निश्चल रूप से मन को भक्तियुक्त होकर, और नेक्स्ट श्लोक है, ये दूसरा श्लोक है, तो दोनों श्लोक का एक दफे माने हो गया। कोविं पुराणम मनसा सितारम मनोरणीयम स्मर समनुस्मरिज्य सर्वसदातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। इसका बात प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगे जोग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम अवेश्य सम्यक स्वत्वं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। क्या लिखा है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम अवेश्य सम्यक स्वत्वं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। दोनों मिलाकर ये माने होता है जो सर्वज्ञ है भगवान कोविम, पुराणम जो अनादि, अनुशासितारम जो नियंत्रण है, कंट्रोलर है, शासन करता है, अनहरणीयसम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्वस्वदातारम सबकोई का विधाता है, जो अचिंत रूपम जो इनकॉन्सिवेबल चिंता का अतीत है, आदित्य वर्णम मतलब सप्रकाश वस्तु है जिसको जोर जबरदस्ती प्रकाश नहीं किया जाए, जिसको जोर जबरदस्ती प्रकाशित नहीं किया जाए। नया आत्मा प्रवचन न मेधाया न भौम न सुते न, ये आदित्य वर्णम सप्रकाश वस्तु है, तमस परस्तात माने मायातीत वस्तु है, वो प्रयाण काले मरने का समय में अचलेन मनसा निश्चल मन के द्वारा भक्तियुक्त होकर, भक्त्यायुक्त भक्तियुक्त होकर, योग बलेन चये एव योग प्रभाव के द्वारा मेरा सत कनेक्शन जोड़ के भ्रुव मध्य आईब्रो ये भ्रुव मध्य आज्ञा चक्र में स्थिर करके
प्राण को, प्राणम प्राण को आज्ञा चक्र में स्थिर करके सम्यक आवेश परिपूर्ण रूप से निश्चल एकदम स्टैटिक हो गया। सम्यक आवेश या जो व्यक्ति अनुस्मरित हमको गुरु चरण का अनुगत्य में हर वक्त चिंतन करते रहते हैं, या जो व्यक्ति त्वम दिव्यम से ही दिव्य परम पुरुष उपैति, वही ये परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, वो प्राप्त करेगा ही करेगा, ये झूठा नहीं है, एकदम पक्का बात है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवर मध्ये प्राणम अवेश्य सम्यक स्वत्वं परम पुरुषम उपैति दिव्यम कोविं पुराणम मनसा सितारम मनोरणीयम स्मरु समनु स्मरेज्य सर्व सर्वस्वदातारम अचिंत रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तत् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम अवेश्य सम्यक् सत्वं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये पक्का बात है। भगवान विभु चैतन्य है, सर्वव्यापक है। कोई अगर बोले ये आत्मा व्यापक है, हाँ आत्मा भी व्यापक है, बस शरीर का अंदर में व्यापक है। व्याप्य वस्तु और व्यापक दोनों में पार्थक्य है। व्याप्य वस्तु का व्यापक जो है, इनमें भागवत में भी कई प्रमाण हैं, भागवत में भी बहुत सारे प्रमाण हैं। कोई जानता नहीं है सब, अरे समय नहीं है लोगों का ये सब विचार करने का, दूसरा फालतू चीजों में लगन लगा के बैठा हुआ है, और क्या करें हमें, हम क्या करें। भागवत में प्रमाण है, हर जगह प्रमाण है, वेद में उपनिषद हर जगह प्रमाण है। जे विभु चैतन्य अनुचैतन्य, विभु मतलब व्यापक, तो आत्मा जो है क्षुद्र जीवात्मा वो भी व्यापक है, लेकिन इसका व्यापकता विद इन कंट्रोल, शरीर का अंदर व्यापक। मानो कि आत्मा शरीर में है, रहने का साथ साथ तमाम शरीर का हिस्सा में एक नस नस में प्राण का संचालन दिखाई पड़ता है, तो ये व्यापक हुआ कि नहीं। इसका व्यापक भाव जो है भगवान का माप नहीं, भगवान का मापिक नहीं है, भगवान सर्वव्यापक और जीवात्मा व्यापक, और हिसाब किया जाए तो व्यापक संबंध नित्य है। भगवान व्यापक और व्याप अंडर कंट्रोल। और भागवत जी महापुराण में भी प्रमाण है, जो हम आगे कथा में चर्चा करेंगे, वो जीवात्मा का फाइनल कंक्लूजन चल रहा है, जीवात्मा का द फाइनल टच ऑन जीव तत्व। बहुत सारे कहने का है, समय नहीं परमिट करे, क्या करो। भागवत जी महापुराण में है, अपरिमिता ध्रुवास्तनुवृतो यदि सर्वगता स्तरहीन सशते नियमो ध्रुव ने तोरता अजनित जन्मयो तदवमीचो मोच नियंत्री भवेद सम मनुजानतम जदमतम मत दुष्टतया। क्या है, अपरिमिता ध्रुवास्तनुवृतो यदि सर्वगता स्तरहीन सशते नियमो ध्रुव ने तोरथ अजनित जन्मयो तदविमुच्य नियंत्री भवेद सम मनुजानतां जदमतं मत दुष्टताया। इसका माने भी है, हे भगवान ये व्यापक संबंध जीवात्मा एवं परमात्मा का अंदर है, भगवान सर्वव्यापक है। कोई अगर बोल दिया कि जीवात्मा भी व्यापक है, ये गलती है। और दुष्ट माता है, ये सिद्धांत विरोध है।
अपरिमिता ध्रुवास्तन वृतौ यदि सर्वगता तरही न सशतेत नियमो ध्रुव नेतो रथा अजनित जन्मयो अजनित जन्मयम तद विमुच्य निमंत्री नियंत्री भवेत समानुजानतम जदमतम मतो दुष्टतया। भगवान तमाम जीवात्मा अनंत कोटि अनंत कोटि भगवान अनंत कोटि जीवात्मा भगवान अनंत कोटि जीवात्मा सब आपका शासन मान के चलेगा। भगवान अनंत जीवात्मा अनंत ब्रह्मांड में है तमाम आपका कंट्रोल में है आप शासन करता है। अगर नहीं माने ऐसा कोई शास्त्रों मायावादी लोग बताए तो भगवान भागवत जी महापुराण में वेदस्तुति में बताए ये गलत है ये सिद्धांत गलत है। अपरिमिता ध्रुवास्तु अनुवृत यदि सर्वगता तरही न सहस्यते नियम ध्रुव ने तो रथा अजनित जन्मयम तद विमोच नियंत्री भवेद समानुजानतम जदमतम मत दुष्टोतया। हो गया ना प्रमाण। तो व्यापो व्यापक संबंध नित्य है ऐसा नहीं कि जीवात्मा व्यापक हो जाएगा। और अगले श्लोक में चलकर 11 श्लोक में भगवान कह रहे हैं जदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वितरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। जदक्षरम ऐसा एक श्लोक उपनिषद में भी है ऐसा एक किसी का श्लोक उपनिषद में भी है ऐसा किसी का श्लोक। जदक्षरम वेद विदो वदंती जिसको अक्षर ब्रह्म बोला जाता है जदक्षरम वेद विदो वदंती विशन्ति यद यतयो वितरागः सर्व किस्म का तरह तरह का आशा आकांक्षा सारा मिटाकर जो योगी पुरुष महात्मा लोग जिस पद ब्रह्म पद को प्राप्त करता है यदि छंतो जो पथ को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य पालन करता है। आई बात समझ में। जदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वितरागः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। इसी विषय में तुमको खुलासा करेंगे भगवान कह रहे हैं अर्जुन वेदज्ञ पंडित गण जो बड़ा बड़ा सब पंडित उपाध्याय वेदज्ञ पंडित गण जिसको ब्रह्म अक्षर ओमिति एकाक्षरम ये ब्रह्म मंत्र अक्षर ब्रह्म बोला जाता है जिसको और वितराग जब काम क्रोध लोभ मोह मदवास्य जो सारे ठिकाना पे लगा दिया और मुक्त हो गया ऐसा सन्यासी गण जिस पद को प्रवेश करने के लिए अपेक्षा कर रहे और जिसको जिस चरण को प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचर्य व्रत अनुष्ठान करते हैं अमृतमय हो जाने के लिए वही प्राप्त वस्तु का कथा उसी प्राप्त वस्तु का विषय मैं अभी बताने जा रहा हूं। ध्यान देना अर्जुन इसी विषय के बारे में बताने जा रहा हूं ध्यान दियो जरा गलती हो जाए तो मुश्किल। जदक्षरम
जदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् यतयो वितरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। इसी विषय में मैं बताने जा रहा हूं, तुमको ध्यान दे के सुनो। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यश्चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण बभ्रमि। ओम इति एतत्, ओम इति एतत्। क्या है? उपनिषद का बाद है, कठोपनिषद में है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? भले एक ही बात है जो हमने बताया अभी, एक ही बात है जो गीता का बात है, एक ही बात है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण बभ्रमि। ओम इति एतत्। क्या बताया? सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति जद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यश्चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण बभ्रमि। व्हाट इज दैट? न ओम इति एतत्। ये ओम इति एकाक्षरम कौन कह रहे हैं? ये कठोपनिषद में है, कठोपनिषद में है। शायद आपको पता है, ये हमारा नचिकेता जी महाराज जमराज जी महाराज का बच गए कि पिताजी कह दिए जा तुम जमपुरी चले जा। जमराज जी नहीं थे मौजूद, जमराज जी मौजूद नहीं थे, और तीन दिन बाद लौटे। देखे एक अतिथि है, एक अतिथि मेरा द्वार पे तीन दिन तक उपवासी है, पानी खाना कुछ नहीं है, अतिथि है। अतिथि नारायण का स्वरूप होते हैं वैदिक शास्त्रों में। बोले हमसे अपराध हो गया नचिकेता जी महाराज, हमसे अपराध हो गया, तो आप कुछ वर मांग लो, इसका समाधान कर ले पहले। बोले क्या क्या बोले? तीन वर ले लो। तीन वर मंगा, तीन वर का अंदर में जब अग्नि का रहस्य क्या है, परमात्मा का गोती क्या है, आत्मा का परमात्मा का ना, आत्मा का गोती जानने से परमात्मा गोती जाना संभव है। तो आत्मा का गोती क्या है, ऐसा करके आशीर्वाद मांगा, ऐसा करके जो बर मांगा। और नचिकेता को जमराज जी कह रहे हैं नचिकेता कह रहे ब्रह्म वस्तु का बारे में। अरे क्या दरकार है ये सब माथा पीछी, जाओ ना हम दे दे रहा तमाम दुनिया का ऐश्वर्य संपत्ति कामिनी कंजन सब दे देता हूँ, चलो। अरे क्या करे ये सब दे के, आपका पास अगर आए, यू आर द फिटेस्ट पर्सनैलिटी और ब्रह्म ज्ञान का, क्योंकि जानता है ना हम लोग। प्रहलाद नारद भीष्म बलिर वैयास गिर वयम, ये जो है ना ये श्लोक है। सायंभूर नारद शंभु, सायंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद भीष्म जनकर बलिर वैयास गिर वयम दादे सहिते बीजानीमो धर्मम भगवतम भट्टा गुह्यम विशुद्धम दुर्वधम यद्यथा मृत। गुह्यात गुह्यो विशुद्ध से विशुद्ध, इतना विशुद्ध कुछ नहीं है। गुह्यम विशुद्धम दुर्वध, इंट्रिकेट सब्जेक्ट मैटर,
और भजन के अलावा ये समझना संभव नहीं। तीसवें स्वयं गुरु नारदो शंभु कुमार द्वादश महाजन का नाम बताया, ये द्वादश द्वादशी ते बीजानी मो ये भागवं धर्मं भागवतम बटा। भागवत धर्म क्या चीज है, भागवत धर्म क्या चीज है, भागवत धर्म क्या चीज है, ये हम द्वादश महाजन जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कुपिलो मनु प्रहलाद भीष्मो जनको बोलीर भैया सकिर भयम द्वादश होते बीजानिमो धर्मम भगवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोध्यम जदगेता अमृतमय श्रुते। ये जानने का बाद अमृतमय हो जाता है आदमी। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यश्चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण बब्रमि ओम इति एतत्। हो गया हो गया। कठोपनिषद का इस श्लोक के द्वारा नचिकेता को जमराज जी महाराज कहते हैं, हे नचिकेतो तमाम वेद वेदश्च सर्वैरहमे वेद्य वेदश्च सर्वैरहमे वेद्य, तमाम वेद पाठ कर भगवान नहीं मिला तो वेद पाठ का क्या दरकार है महाराज। नचिकेता को कह रहे हैं कि नचि हे नचिकेतो तमाम वेद जिसका स्वरूप है, हे नचिकेतो समग्र वेद जिसका स्वरूप है, तमाम वेद पढ़ने का बाद अगर पता ना चले कि ब्रह्म वस्तु क्या है भगवान, तो ये बेकार है वेद पाठ करना। समग्र वेद जिसका स्वरूप है, मुख्य रूप कीर्तन कुरिया छेन और वेदों में खुलासा करके बताया गया, लेकिन आदमी समझता नहीं। खुलासा मतलब उतना खुलासा नहीं, सीक्रेटली बताया गया जिसका बारे में कीर्तन किया गया और जिसका प्रीति का उद्देश्य में, जिसको रिझाने के लिए, जिसका प्रीति का उद्देश्य लेकर जिसको रिझाने के लिए तपस्या जरूरी है, तपस्या वो अग्निष्टोम आदि यज्ञ कर्म समूह अनुष्ठित होया था कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए तपस्या और अग्निष्टोम आदि यज्ञों का विधान दिया है वेद। और जिसको जिस चरण प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मचारी लोग वेद अध्ययन करता है, ऊर्ध्व रहता वेद अध्ययन करता है, वेद अध्ययन करता है ऊर्ध्व रहता बन जाता है, वेद अध्ययन करता है ऊर्ध्व रहता बन जाता है। ब्रह्मचार्य जो पालन करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए है, वो व्रत आचरण करे, ये है वही एक ही ब्रह्म, वही एक ही ब्रह्म ओम इति एतत्, ओम इति एतत् एक अक्षर ब्रह्मांत, यही ब्रह्म स्वरूप संक्षेप। अति संक्षेप के द्वारा तुमको अगर बताया जाए, अति संक्षेप में, अति संक्षेप में अगर आपको बताने का कष्ट कोशिश करूं तो इसका नाम है ओम इति एतत्, इसका नाम है ओम और कुछ नहीं। आई बात समझ में। और बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी है ये सुंदर बातें। बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा है, ये गार्गी को, गार्गी पत्नी को याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, एतस्यो वा अक्षरस्सो प्रशासने गार्गी सूर्यो चंद्रमसो विद्रितो तिष्ठत इत्यादि। क्या बृहदारण्यक उपनिषद में तीसरा पाठ में आठ नौ, आठ अध्याय का नौ श्लोक तीसरे खंड में, ये बड़ा है ना बृहदारण्यक उपनिषद, बहुत बड़ा है। बृहदारण्यक श्रुति में लिखा हुआ है एतस्यो वा अक्षरस्यो, एतस्यो वा अक्षरस्यो,
etashoba aksharasso prashasane gargi suryos chandramaso vidrito tishtataha itadi. हे गार्गी, ये अक्षर ब्रह्म का अनुशासन में, ये अक्षर ब्रह्म का अनुशासन में सूर्य प्रभा दे रहा है रोशनी, चंद्रो सूर्य और चंद्र विद्रित रूप अवस्थित हो, एक एक पोजीशन में होल्डेड, एक एक पोजीशन में बधा हुआ है और सारे अनुशासन मानने के लिए तैयार है। और ये सकल श्रुति वाक्य आलोचना कर ले, तमाम श्रुति वाक्य का चर्चा किया जाए, वही अक्षर ममो का बारे में ओम ओम इति एतत, ये अक्षर ममो पता चलेगा। ओम उच्चारण करने का सब कोई का अधिकार नहीं है, जिसका ब्राह्मण तो नहीं है ओम उच्चारण ना करे, अब माता जी लोगों निषेध है, निषेध जो भी है, थोड़ा गलती हो जाए उसमें पनिशमेंट मिलेगा, अधिकार के अनुसार कर्म करना चाहिए। इसीलिए महाभारत भागवत जी महाभारत सब दिया गया, ऐसा नहीं कि उसको ही बोलना पड़ेगा, क्या है जो ओम है वही श्रीमद् भागवत जी महापुराण है, वही ब्रह्म गायत्री, वही काम गायत्री है, अल्टीमेटली ब्रह्म गायत्री अंतिम में काम गायत्री बन गया, वही जुगल मंत्र है, वही महामंत्र है, सब एक अंतिम में, अल्टीमेटली सब एक, देखने में अलग अलग। हाँ, ऐसा करके विचार बनाया, ठाकुर जी दिखाया और ऐसा विचार करके आगा चलो तो भगवत प्राप्ति, ब्रह्म पद प्राप्ति अनायास हो सकता है। और आगे चलकर 12 नंबर श्लोक में कह रहे हैं ठाकुर जी, सर्वोद्धाराणि संयमो मनोहृति निरुद्ध च मूर्धि आधायत्मनः प्राणम अस्थितो योगुधारोणम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मो व्याहरण ना मामनुस्मरण जो प्रयाति तैजन देहम सयाति परमां गतिम। क्या बताया, वज सर्वोद्धाराणि संयमो मनो हृदि निरुद्ध च, सर्वोद्धाराणि द्वार मतलब गेट है, तो हमारा शरीर में कितना गेट है, 90 द्वार, हर आदमी को जानना चाहिए, पता होनी चाहिए, हमारा शरीर में 9 गेट है, 9 गेटों में एक गेट के द्वारा आत्मा बाहर निकल जाए, चक्षु कर्ण 2 चोक 2 नसिका का छिद्र है, 2 कान है, पायु है, लिंग छिद्र है, तमाम ये 9 है, कानों का छिद्र है, ऐसा करके तमाम छिद्र है, गेट है, इसको बना गया गेट। इसलिए बताया गया सर्वोद्वाराणि संयमो, ये सर्व गेट अगर खुला रहे तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, नुकसान हो सकता कि गेट खुला है, किसी का फ्री आना जाना, अंदर से शक्ति चले जाए, कुछ हो जाए। सर्वोद्वाराणि संयमो, सर्वोद्वार को 9 गेट को, पायु पाद चक्षु कर्ण नासिका आदि सारे तचा सब संयम करके सर्वोद्वाराणि तचा, इसमें गेट नहीं है, बाकी 9 गेट है ह्यूमन शरीर में, मानव शरीर में। सर्वोद्वाराणि संयमो, सर्वोद्वार को संयम करके मनो हृदय निरुद्ध, मन को हृदय के साथ हार्मोनाइज करके, मन अलग जाए हृदय अलग जाए, होगा नहीं। जैसे याद करके देखना, हमने राधा रानी का बारे में कुरुक्षेत्र युद्ध में बताया ना, याद है ना, माँ राधा रानी कह रही है चैतन्य चैतन्य में तो मैं है, अनिर हृदय मोन
মোর মন বৃন্দাবন, মনে মনে এক করি মানি, তাহার তোমার তাহা তোমার চরণোদ্দয় যদি করাও উদয় তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি। রাধারণীকে কেনা দূসর লোক কা হৃদয় এক তরফ হ্যা মন এক তরফ হ্যা, লেকিন মেরা এসা নেই হ্যাঁ, জো হৃদয় হ্যাঁ ওই মন হ্যাঁ, এক সাথ মিল গিয়া আর ও হ্যাঁ বৃন্দাবন। আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে মনে এক করি মানি, তাহা তোমার চরণোদ্দয় যদি করা উদয় তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি, তব তোমারা পূর্ণ কৃপা মানতা হুঁ। সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুদ্ধ চ মূর্ধি আধায়ৎমনঃ প্রাণম অস্থিত যোগ ধারণম ওম ইতি একাক্ষরম ব্রহ্ম ব্যাহরণ মাম মনুস্মরণ ইহ প্রয়াতি তেজন দেহম স যাতি পরমাম গতিম। তমাম ইন্দ্রিয় সব সংযম করকে রেগুলেট করকে কন্ট্রোলিং করকে নিয়ন্ত্রণাধীন আপনা নিয়ন্ত্রণাধীন করকে পুরো রোধ কর দো ব্লক কর দো আর মন কো ভ্রুবর মধ্যে প্রাণবায়ু কো স্থাপন করো আত্মবিষয়ক সমাধি রূপ যোগ ইস যোগস্থৈর্য স্ট্যাবিলিটি অফ যোগা পাকার কর ওম একাক্ষর ব্রহ্ম শব্দ উচ্চারণ করো করতে করতে হামারা ধ্যান করো আর শরীর ছোড় দো আর এসা মাপিক যে শরীর ছোড়তা হ্যাঁ না যিনি এসা মাপিক যে ব্যক্তি এসা শরীর ছোড় দেতে হ্যাঁ ও পরম গতি কো ও পরম গতি কো প্রাপ্ত করতা হ্যাঁ ইসমে কই শক নেই হ্যাঁ পরম গতি কো প্রাপ্ত করতে হ্যাঁ ইসমে কই শক নেই হ্যাঁ সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুদ্ধ চ মূর্ধি আধায়ৎমনঃ প্রাণম অস্থিত যোগ ধারণাম ওম ইতি একাক্ষরম ব্রহ্ম ব্যাহরণ মাম মনুস্মরণ ইহ প্রয়াতি তেজন দেহম স যাতি পরমাম গতিম। আই বাত সমঝ মে আগলে দিন ইস বিষয় মে খুলা চর্চা হো পায়েগা বিস্তৃত চর্চা হো পায়েগা। চিন্তয়ামি হরিমেব সততম মন্দহাসমুদিতাননাম্বুজম নন্দগোপতনয়ম পরাৎপরম নারদাদি মুনিবৃন্দো বন্দিতম চিন্তয়ামি হরিমেব সততম মন্দহাসমুদিতাননাম্বুজম নন্দগোপতনয়ম পরাৎপরম নারদাদি মুনিবৃন্দবন্দিতম বাঞ্ছাকল্পতরুষিকে বাসিন্দুবেব চ পতিতানং পাবনেব বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।